वार्मिंग का सेशन चल रहा है, थोड़ी सी रनिंग जॉगिंग और फिर उसके बाद प्रीयाम एक्सरसाइजेस। जिस बच्चे को मैं आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं, इस बच्चे का नाम है आर्यन एस नाम्बियार, जो कि कन्नूर केरला से आया है, जो दिल्ली से 2500 किलोमीटर अवे है। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इससे आपको पता चलेगा कि पेरेंट्स का पैशन क्या है, इस बच्चे का अपना ड्रीम और डिज़ायर क्या है, और ये एक इंस्पिरेशन बन सकता है उन सब पेरेंट्स के लिए, उन सब बच्चों के लिए जो क्रिकेट को परस्यू करना चाह रहे हैं, क्रिकेट में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, और कैसे हम एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकते हैं बच्चे की। ये बच्चा जब मेरे पास आया था, उस वक्त इसको क्रिकेट की बैटिंग की ABC का ज्ञान था। ही न्यू ड्राइव क्या है, ब्लॉक क्या है, फ्लिक क्या है, इसको एक बेसिक आइडिया था। मैंने जो काम किया है, मैंने इसके टैलेंट को पॉलिश किया है, इसको थोड़े से एडवांस स्टेप्स दिए हैं। इस बच्चे की स्पेशलिटी है कि इसकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत सॉलिड है और बहुत जल्दी लर्न करता है, बताते ही उस चीज़ को एग्जैक्टली करके भी दिखा देता है। आप सब के लिए ये एक मौका है, इस वीडियो को चूके मत, देखें लास्ट तक, आप अपने बच्चे का फ़ायदा कर सकते हैं। आप देखिए कि एक मेरा जो तजर्बा है कोचिंग का, इस बच्चे पर मैं लगा रहा हूँ, इस बच्चे को तो फ़ायदा हो ही रहा है, वो सब पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बच्चों का इससे बहुत फायदा हो सकता है। वॉच, इंजॉय एंड लर्न। अब हम आर्यन के सिस्टम को ट्रेन कर रहे हैं, उसकी मसल मेमोरी में ये ट्रेनिंग जाए। उसके लिए हमने क्या किया है, देखिए, तीन बॉल्स रखी हुई हैं, ये बॉल ऑन ड्राइव की है, ये बॉल बैक टू बॉलर ड्राइव की है, ये बॉल ऑफ ड्राइव की है। हम थ्री पार्ट्स में करेंगे। पार्ट नंबर एक है ट्रिगर मोमेंट, जो कि मस्ट है। मैं इस बच्चे को, हालांकि छोटा है, इसका बेस ऐसा देना चाह रहा हूं कि जैसे ही इसके हाथ में बैट आए, इसका माइंड जो है उसी वक्त काम करना शुरू कर दे, सब कॉन्शियस माइंड जिसमें सब कुछ फीड हो रहा है, ये इसके लिए इसलिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ ट्रिगर मोमेंट हम हमेशा एक उस बच्चे को सिखाते हैं जो बच्चा एक सर्टन लेवल एक्वायर कर चुका है, क्योंकि बच्चा अपनी क्रिकेट में थोड़ा सा एडवांस चल रहा है, तो इस वक्त इस बच्चे को ये सिखाना कोई गलत नहीं है, ये सीख सकता है। तो हमारा पार्ट नंबर वन है ट्रिगर, पार्ट नंबर टू है फ्रंट फुट आउट, बॉल हम फ्रंट फुट की टो के थोड़ा इनसाइड रखेंगे, एंड पार्ट नंबर थ्री है हिट ड्राइव, जिसमें हेड के नीचे ये शॉट लगेगा। आप देखिए, तीनों को मैं करवा के दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यस आर्यन, ट्रिगर, फ्रंट फुट, हिट, देखिए, वंडरफुल। बैक टू बॉलर ड्राइव, ट्रिगर, फ्रंट फुट, हिट, नाउ ऑफ ड्राइव, ट्रिगर, फ्रंट फुट, हिट। ये आपने देखा, तीन ड्राइव हमने लगाई। होना क्या चाहिए कि जैसे आपने 5 each तीन का एक सेट किया, ऐसे हमने 5 किए, बच्चे को रिकवरी दें तकरीबन 1 मिनट की, क्योंकि ऐसे बच्चे छोटी एज में यूजुअली डिटैच होते हैं, बोर होते हैं। इनकी क्रिएटिविटी चलनी चाहिए, इनका जो अंदर का एक दिलचस्पी है, जो इन्जॉयमेंट है, वो सामने रहना चाहिए, तभी बच्चा सीख पाएगा। अगर बच्चा बोर हो रहा है, मेरी बात नोट कर लीजिए, कभी नहीं सीखेगा। आप उस पर जितना मर्जी इम्पोज़ कर लो, जितना मर्जी उसको डांट लो, जो मर्जी करो, नहीं सीखेगा। जब तक आप उसको इन्जॉयमेंट नहीं देंगे, जब तक उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं आएगी, तब तक बच्चा सीखेगा नहीं। तो इसलिए आपको 5 का सेट दे के 1 मिनट की रिकवरी देनी है, ऐसे ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। हम फिर कर रहे हैं एक बार, ट्रिगर,
फ्रंट फुट हिट, ब्यूटीफुल, गुड हेड पोजिशन, गुड बॉडी पोजिशन. नाउ स्टे ड्राइव, ट्रिगर, फ्रंट फुट हिट, ब्यूटीफुल. नाउ ऑफ ड्राइव, टच द लाइन द टो, या ट्रिगर, फ्रंट फुट हिट. अब देखिए मैं आपको इस बच्चे की, आप देखेंगे कि बच्चा कितना अच्छा ये ट्रेन हो चुका है. इसमें इस बच्चे की मेहनत ज़्यादा है, कोच का रोल बहुत कम है. ये बच्चा ही ऐसा है कि जो उस बात को बहुत जल्दी सीखता. आप इसकी ट्रिगर मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल जैसे एक ट्रेंड एडवांस स्टेज का क्रिकेटर लेता है ट्रिगर मूवमेंट जितनी होनी चाहिए. मैं कैमरा वहीं फोकस करके दिखा रहा हूँ आपको, उसका आप सिर्फ बैक फुट नोट करिए. यही ट्रिगर मूवमेंट है, बेस्ट ट्रिगर मूवमेंट है ये. अब जरा देखिए, बैक फुट नोट करिए कि कितनी प्यारी ट्रिगर मूवमेंट चल रही है. ट्रिगर ये देखिए, ये इतनी ट्रिगर मूवमेंट है, हार्डली 4 इंचेस जिसकी ज़रूरत है हमें. यहीं पे आपका जो बॉडी का मोमेंटम बनता है, बैक फुट पे अगर बॉल मिलेगी, बॉडी बैक फुट पे जा रही है. अगर बॉल आपको फ्रंट फुट की मिल रही है तो बॉडी वेट पहले पीछे है, फ्रंट फुट फ्री है, आपका पैर आगे निकल जाएगा. दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक. जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चा बोर नहीं होना चाहिए ट्रेनिंग में, ये टेक्निकल ट्रेनिंग थी, बच्चे का माइंड सारा इस पे था. अब हम इसको थोड़ा सा इंजॉयमेंट देंगे. हर बच्चा बहुत प्यार करता है उस चीज़ को जब वो हिट करता है, सिक्सर हिट दिस साइड दैट साइड. बट हम इसके, क्योंकि हम ट्रेन कर रहे हैं, हम इसके एंजॉयमेंट के साथ साथ टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं. मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कर रखा है. कैमरा हम दीवार की तरफ लेके जाएंगे जहाँ पे मैंने निशान बना रखे हैं, जो कि बिल्कुल ओवर द हेड ऑफ बॉलर है, वो दिखा रहा हूँ आपको. देखिए वो दीवार पे देखिए, आपको एक चौड़ी सी वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इधर और एक उधर, दो लाइनें नज़र आ रही हैं. बीच में हमारा बॉलर खड़ा है जो बच्चे को फीड करेगा. हम इसको ट्रेन कर रहे हैं कि इस दीवार पे बॉल को हिट करे. तो हमने क्या किया है, इसकी इस कंपटीशन के लिए जो सामने का एरिया है, जब जितनी बॉलें ऊपर हिट करेगा उसके हम इसको 10 पॉइंट्स दे रहे हैं, जितनी बॉलें ये उस दीवार पे नीचे हिट करेगा ग्राउंडेड उसके हम 6 दे रहे हैं. जो साइड का नेट आप देख रहे हैं इस तरफ वाला, इस तरफ अगर कोई बॉल हिट करेगा तो उसको हम कोई रन नहीं दे रहे, क्योंकि इस तरफ एरिया छोटा है. देख रहे हैं आप, आगे जाके नेट स्क्वीज़ हो रहा है. ये देखिए नेट आगे जाके स्क्वीज़ हो रहा है. तो इस तरफ जो हिट करेगा हम इसको देंगे 10 रन्स. और ऊपर देखिए, जो आपको ये ऊपर एक रॉड नज़र आ रही है, पोल नज़र आ रहा है हॉरिजॉन्टल में, इसके आगे जितनी बॉल नेट में हिट करेगा 10 देंगे, इसके पीछे जितनी करेगा हम उस पर इसको 0 रन देंगे, कोई रन देंगे नहीं. तो ये कंपटीशन है, बच्चा कंपटीशन भी सीख रहा है और एंजॉयमेंट की एंजॉयमेंट है, और आपकी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है. ब्यूटीफुल शॉट, 10 रन्स, गुड शॉट अगेन, 20 in 2, 9 रन, 20 in 3, 9 रन, 20 in 4, ब्यूटीफुल शॉट, 30 in 5, 40 in 6, वेरी गुड, गुड गोइंग, री बॉल, 50 in 7, 32 win in 5 balls, no run, 32 win in 4 balls, good shot, 20 in 3 balls, ब्यूटीफुल, 10 in 2, 70 रन हो गए आपके 10 बॉल में. ब्यूटीफुल शॉट, वेल डन, 80 रन इन 12 बॉल्स, वेल प्लेड, वेरी वेल डन. अब हम इस ट्रेनिंग का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं. पहले हमने देखा टेक्निकल ट्रेनिंग दी, बाद में हमने कंपटीशन दिया जिसमें बच्चा एंजॉय कर रहा था. अब हम लेदर बॉल से, ये देखिए बच्चा कैसे ब्लॉक करेगा, कैसे ड्राइव करेगा, सब देखिए, इसकी टेक्निक को देखिएगा. ये देखिए हम थ्रो डाउन दे रहे हैं ओवर आर्म, और स्पीड भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं है. वेल प्लेड, अ सॉलिड पुश. देखिए आप जरा इसका देखेंगे, नोट करेंगे तो ग्रिप जो है बैट पे फर्म है. देखिए कितना सही बैट आ रहा है, सॉलिड बैट आ रहा है, और यही एक स्पेशलिटी होती है बैट बैटर की कि आपका ग्रिप थोड़ा सा फर्म रहे. गुड पुश बैक टू बॉलर,
गुड ड्राइव, वेरी गुड ड्राइव। वेल प्लेड। गुड फर्म पुश। वाह, ब्यूटीफुल बैक टू बॉलर ड्राइव। प्लेड, वेल प्लेड, गुड डिफेंसिव शॉट। वेल प्लेड अगेन, वेल डन आर्यन। इसको सीधा खेलते ठीक था, आप स्क्वायर खेल रहे हो, बीट हो गए, इसको सीधा खेलो। दोस्तों अब मैं आपको आर्यन की मदर से मिलवा रहा हूँ, प्रिया श्रीजीत, उनसे पूछेंगे। उन्होंने इस बच्चे को शुरू से देखा है, बहुत सारे इसके शौक हैं, बर्ड्स में खेलना, इनका घर बहुत बड़ा है कन्नूर में, जहाँ पर इनके पास थाउजेंड्स में बर्ड्स हैं, ये बच्चा उन बर्ड्स से खेलता है। मैं उसकी क्लिपिंग्स भी कोशिश करूँगा इस वीडियो में मर्ज करूँ, ताकि आपको बच्चे की टोटल पर्सनैलिटी का पता चले कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा बच्चा क्रिकेटर बने। प्रिया जी, आप कुछ बताइए हमें कि आर्यन ने कब से आपको कब लगा कि ये क्रिकेट खेल सकता है? जब ये बहुत छोटा था, हार्डली 3 इयर्स का, तब से ये प्लास्टिक के बैट से खेलता था। वेरी गुड। फिर जब मेरे हस्बैंड ने इनको बॉल थ्रो करके दिया, तो ये अच्छे से बॉल को देख के ही बैट करता था, तो उससे हमें समझ में आया कि इसको है, इसके अंदर वो टैलेंट है। और हस्बैंड भी अच्छा खेलते हैं, तो मेन तो है कि उनका सपोर्ट है। मींस जीन्स में है। हाँ, जीन्स में है, क्योंकि बॉल देख के ही ये बैट से खेलता था। okay. ऐसे ही नहीं, तो फिर 4 इयर्स से ही हस्बैंड के साथ खेलता था। फिर जब ये 5 साल का हुआ, वो कोविड के टाइम, तो इसको हम घर में ही हस्बैंड बॉल डाल के देते थे, और काफ़ी केरला में भी इसके जो कोचेस हैं उनके पास बेच के ये फिर खेलना शुरू हुआ। और स्कूल से आके भी ये ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा खेलने में बिताता है हर दिन ट्रेनिंग में। कभी कभी आपको ऐसा लगा कि आपको इस पे क्रिकेट इम्पोज करना पड़ रहा है? इट वाज नेचुरल। नेचुरल था बिल्कुल, मतलब इसको, इसमें टैलेंट था, इसको पसंद भी था, तो ऐसे ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कि पकड़ के ज़बरदस्ती पुश करो। इसमें जो टैलेंट था उसको हमने ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे आपकी एकेडमी इंस्टाग्राम और यूट्यूब से मैंने देखा काफ़ी सारे वीडियोस, तो हमारा यहाँ घर है नोएडा में, तो केरला में क्या है कि स्कूलिंग का टाइमिंग का थोड़ा डिफ़िकल्टी है, 4:30 हो जाता है जब तक ये घर पहुँचता है, उसके बाद 5:00 को ये ट्रेनिंग करना शुरू कर देता, उसके बाद स्टडीज़ भी होता है। तो जब भी हम छुट्टियों में आते थे, तो हमारा ये था कि यहाँ इसको डाले, ताकि एजुकेशन वाइज भी अच्छा जाए, इसका जो टैलेंट है वो भी पढ़ाई के साथ दोनों एक साथ जाए। तो इस तरह अभी समर वेकेशन चल रहा है केरला में, अप्रैल में ही छुट्टी होता है वहाँ, तो हम बार इस बार मार्च में स्कूल बंद होते ही इसको लेके यहाँ आया और आपका एकेडमी में डाला। चलिए, आपको हमारी बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। बच्चा आपका बहुत आगे बढ़े। थैंक यू। और एज कोच, मेरा भी जो इसके लिए एनालिसिस है, अगर इसकी लक इसका साथ देगी तो वन डे डेफिनेटली हिल पे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ क्रिकेट। गुड लक टू यू मैम। थैंक यू। आज के शो के हीरो आर्यन नाम्बियार से बात करते हैं, उसका बर्थडे है, सबसे पहले हम उसको बर्थडे विशेस कहते हैं। हैप्पी बर्थडे आर्यन, गॉड ब्लेस यू। आप हमें ये बताएं आर्यन कि आप क्रिकेट में, आपका इतना इंटरेस्ट कैसे हुआ और आपका क्रिकेट में फेवरेट कौन है, और आपको कैसे आइडिया लगा कि हमें दिल्ली में जाके ही ट्रेन करना है, कुछ बता सकेंगे हमें आप? मेरा फेवरेट प्लेयर जो रूट है, और आप सर का वीडियो देखा, और दिल्ली में समर वेकेशन में, और पापा आपका वीडियोस देखकर मुझे ट्रेन कर रहा है था। आपके पापा मेरा वीडियोस देखते थे? हाँ। और फिर आपको वहाँ पे वो ट्रेन भी करते थे, आपको समझ में आता था सब कुछ? हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आप क्या बनना चाहते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर? ऑलराउंडर।
कीपर एंड बैटर और बॉलर और बैटर? कीपर एंड बैटर। कीपर एंड बैटर। जैसा आपने कहा कि जो रूट आपका आइडल है, आप उसके फैन हैं, आप उसको बहुत मानते हैं, जो रूट का कोई ऐसा एक चीज़ बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगता है। फ्रंट फुट ड्राइव। फ्रंट फुट ड्राइव्स, तभी आपका फ्रंट फुट ड्राइव बहुत अच्छा है। विश यू ऑल द गुड लक फॉर फ्यूचर आर्यन, गॉड ब्लेस। सो व्यूअर्स, ये मैंने कोशिश की है कि कैसे हम एक बिगिनर को, एक छोटे बच्चे को ट्रेन करें सिस्टमेटिक वे में। आपने सारा कुछ देखा, इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस वीडियो को फॉलो करने की कोशिश करें। हर वो फादर, हर वो मदर जिसको क्रिकेट की थोड़ी सी भी नॉलेज है, वो अगर इस वीडियो को प्रॉपरली फॉलो करेगा, आप अपने बच्चे को घर से ही ट्रेन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि एक हम छोटे बच्चे को कैसे ट्रेन करें, इसके ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।